क्या आपकी मसल भी रुक चुकी है? क्या जिम में आपकी मसल्स भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है? तो इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे सबसे बिगेस्ट रीजंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो है नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। देखो यार, मैं ये बहुत बार ये चीज दोस्तों को बोलता हूँ और इन लोगों को बोलता हूँ कि अपनी नींद जो है ना वो पूरी करें। वर्कआउट आपने किया, अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप रेस्ट नहीं करते हैं ना तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिसोल को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, जो सीधा आपके HGH पर इफेक्ट करता है। HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको एक हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कॉर्टिसोल की वजह से भी आपकी मसल जो है वो आगे ग्रोथ नहीं करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग का मतलब जितनी बॉडी को ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसको ओवर ट्रेनिंग बोलते हैं। ओवर ट्रेनिंग का फ़ायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान मैं आपको बताता हूँ। पहला जो सबसे बड़ा नुकसान ओवर ट्रेनिंग का है वो है कि आपको मसल इंजरी हो सकती है। मसल इंजरी मतलब मसल टियर हो सकता है, टेंडन टियर हो सकता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है ओवर ट्रेनिंग करने का। दूसरा नुकसान ये है कि आपकी मसल जो है वो श्रिंक हो सकती है, और श्रिंक हुई मतलब आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक गई। तो कभी भी आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप हमेशा अपना वर्कआउट जो है वो प्री प्लान करके रखें कि आपको इतनी देर तक वर्कआउट करना है, इससे ज्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना। इतनी देर वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट करना है और कैसे वर्कआउट करना है, ये आप पहले से प्री प्लान करके जाएं और ओवर ट्रेनिंग कभी ना करें। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन जो है वो है डिहाइड्रेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में हमारी कंट्री में ज्यादा बात ही नहीं होती, जिम्स में इस बारे में बात ही नहीं होती। हर कोई कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स और वर्कआउट और डंबल्स और वेट्स के बारे में बात करता है, बट डिहाइड्रेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है ना, तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी प्रोग्रेस रुकने का। बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक है, जब आप फूड खाते हैं, जब आप कुछ कंज्यूम करते हैं, आप कार्ब्स लेते हैं, आप फैट्स लेते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है ना, वो है H2O, जिसको वाटर बोलते हैं। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फूड डाइजेशन में। और जब आप वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपना फूड कंज्यूम करते हैं, तो डाइजेशन के बाद जैसा बॉडी का काम है कि आपकी मसल्स के पास न्यूट्रिशन पहुंचाना, जो मसल्स आपने टियर की है वर्कआउट करके, वहां तक न्यूट्रिशन पहुंचाना। वाटर ना कंज्यूम करने के वजह से वो न्यूट्रिशन मसल्स तक बहुत टाइम लगाते हैं पहुंचने में, और मसल्स रिकवरी जो है वो टाइम पर नहीं हो पाती। तो अगर आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है ना, तो इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया तीन ऐसे सबसे बड़े रीजंस जिसकी वजह से हो सकता है आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई हो। अगर इन तीनों में से अगर आपको अपना रीजन मिल गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको अभी भी रीजन नहीं मिला है तब भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, हो सकता है मैं आपका रीजन ढूंढ के एक और वीडियो बना दूं।